Today is 21st, and you know, today is International Yoga Day. आज किसी ने कुछ किया नहीं होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो आज क्लास के बाद ही चाहे 2 मिनट, है ना, यू डू लोम विलोम 2 मिनट करना। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ करो जरा, क्योंकि लोम विलोम आप खाना खाकर भी कर सकते हो। जरा जल्दी से, कि हमने ध्यान से मेरी बात सुनना, वैसे तो तुम सुनते ही हो। हमने 2 मिनट 10 टाइम्स करना है। हमने यहां से सांस लेनी है, और जितने मन में गिनना है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और दूसरी तरफ से हमने सांस बाहर करनी है डबल द टाइम, राइट। 3 टाइम्स में सांस अंदर लो और 6 में बाहर निकालो, जल्दी से। ठीक है, ये करें हम, ताकि हम योगा डे पे थोड़ा सा तो काम करें। ठीक है एवरीबडी, और अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। हमने कल न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल वेरिएशन की थी। टुडे वी विल डू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। So these are caused by, हम कहते हैं caused due to, कैसे होती है, deletion, addition, inversion and another is translocation. Deletion ये क्रोमोसोम है, इसका ये पार्ट रिमूव हो गया, तो क्रोमोसोम बिकम्स shorter than the normal chromosome, few genes are lost, that is deletion. This is chromosome. कहीं से कोई matter या duplication भी हो सकती है, कुछ part दोबारा से duplicate हो गए। ठीक है, सो एडिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इन द नॉर्मल क्रोमोसोम, सम जीन्स आर एडेड, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन। इनवर्जन उल्टा होना, ए बी सी डी ई जेड, लेट अस से थोड़ा सा और हम लंबा कर लें, ताकि वाई एक्स, तो ये वाला पार्ट जो है ये टूटा और ये रिवर्स में आ गया, इन्वर्ट होके जुड़ गया साथ में। ये तो वही है ए बी सी, यहां पे आ गया जेड ई डी वाई एक्स। आपको अभी तो क्या हो गया, जीन्स तो वही की वही है, बट बेटे जब साइनेप्सिस होगा, साइनेप्सिस तो इसके साथ होना है, इसके साथ प्रॉपर साइनेप्सिस ही होगा। वो क्रोमोसोम साइनेप्स करने के लिए अगर टूटेगा मुड़ेगा किसी तरह से, कि ताकि इसके साथ पेयरिंग कर लूं एग्जैक्टली, वो हो नहीं पाएगी, तो एबनॉर्मल मियोसिस होगी, दिस इज इनवर्शन। ट्रांसलोकेशन, एक ये क्रोमोसोम है 1 2 B Z B एंड हियर लेट अस से वन, और यहां पे एक छोटा सा क्रोमोसोम है, दिस इज ए, दिस इज यू कैन से एक्स, दिस इज जे, दिस इज एस। यहां से ये वाली सेगमेंट टूटी
और इसके साथ जाके अटैच हो गए। तो दो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गई। ये छोटा हो गया और ये वाला एक्स जी एस एंड बी यहां पर भी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, अगेन साइनैप्सिस। ना तो इसका जो होमोलोगस होगा वो बड़ा होगा, इसे वो प्रॉपर साइनैप्सिस नहीं होगी, और इसका जो होमोलोगस होगा वो छोटा होगा, तो इसकी साइनैप्सिस भी नहीं होगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दीज आर द फोर मेथड्स, दैट इज डिलीशन, एडिशन, इनवर्जन, ट्रांसमिटेशन। ठीक है, पहले ये लिखो और ऐसे ही कॉलम में लिखना ताकि इनके नीचे मैं आपको कुछ लिखवा सकूं। Deletion. It is deletion is the process in which part of a chromosome breaks and gets lost due to which some genes of a chromosome are lost. In deletion, a part of the chromosome breaks, comma, gets separated from the chromosome and get lost, due to which some genes present on the chromosome are lost. Kuch genes khatam hi ho gaye. For example, ek disease hai Krai-Du-Chat syndrome. Krai-Du-Chat syndrome is caused due to deletion of part of short arm of chromosome 5. जो क्रोमोसोम 5 है उसकी जो शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म कैसे हो सकती है, ये वाली शॉर्ट आर्म है, इसमें से ये जो पार्ट है ये डिलीट हो गया एंड इट कॉजेस द डिजीज Krai-Du-Chat सिंड्रोम, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एडिशन और डुप्लीकेशन। Addition or duplication. In this, a part of the chromosome gets duplicated and is attached with the same chromosome due to which the chromosome becomes longer than the normal. For example, in Drosophila, gene B
और आई कलर ऑन एक्स क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर आईज, इसको हम बार आईज भी बोलते हैं। डुप्लीकेशन के कारण क्या हुआ, आंखें छोटी हो गई ड्रोसोफिला की। दिस इज एडिशन या फिर डुप्लीकेशन। नेक्स्ट आ जाती है इन्वर्शन। व्हेन ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम breaks and rejoins the same chromosome but in reversed fashion is called as inversion. इसकी कोई बहुत कॉमन एग्जाम्पल नहीं है इसलिए नहीं हम यहाँ बताएंगे। is called as inversion. मैम सेम क्रोमोसोम के आगे क्या है? And gets attached with the same chromosome but in inverted or reverse fashion. But in inverted or reverse fashion is called as इन्वर्शन। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन when a part of the chromosome breaks, when a part of the chromosome breaks and rejoins with another non-homologous chromosome, is called as translocation. Due to which one chromosome becomes smaller than normal. And another gets longer than normal. Longer than normal. For example, myelogenous leukemia. इसको हम एक और क्या कह देते हैं? Chronic myeloid leukemia, a type of blood cancer. या फिर this is also called as Philadelphia chromosome. It is caused by, कैसे होता है? Caused by translocation of part of long arm of chromosome 22 to chromosome 9.
22 का एक पार्ट टूट के क्रोमोसोम 9 के साथ जुड़ जाता है और इस कारण डिजीज क्या हो जाता है, माइलोजीनस ल्यूकेमिया। द डिजीज इज कॉल्ड एज माइलोजीनस ल्यूकेमिया। And sometimes what happens? दो क्रोमोसोम से अलग अलग, एक ये है एक ये है, लेट अस सी। ये क्रोमोसोम की सेगमेंट यहां से टूटी, ये यहां से टूटी, ये आके यहां पे अटैच हो गई, ये आके यहाँ पे अटैच। ये दोनों नॉन होमोलोगस है, ये पता नहीं पहला क्रोमोसोम है ये दसवां क्रोमोसोम है, ठीक है। इस तरह से इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये कहता है थोड़ी सी सेगमेंट मैं तुझे दे रहा हूं, ये कहता है चलो कोई बात नहीं थोड़ी सी मैं तुझे देता हूं। दिस इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसी में ही एक टाइप लिख लो, ट्रांसलोकेशन में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। टीओ मतलब इलेजिटिमेट मीन्स इलीगल। लीगल क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होना, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। ये तो नॉन होमोलोगस है, अलग अलग है, इसलिए इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। सो इन दिस लिख लो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, इन विच there is exchange of chromosomal segments, exchange of chromosomal segments between non-homologous chromosomes, between non-homologous chromosomes. हम फिर से बोलना तो there is exchange of, in this there occurs exchange of chromosomal segments between non-homologous chromosomes. Full stop करके second point लिखिए, crossing over occurs between non-sister chromatids, non-sister chromatids of homologous chromosomes. Whereas in reciprocal translocation, exchange of segments occurs between non-homologous chromosomes. वहां था जो एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर है, यहाँ पे नॉन होमोलोगस है। इन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कॉमा एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स अकर्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दस आल्सो कॉल्ड एज इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, दस आल्सो कॉल्ड एज illegitimate crossing over. मैम कौन सा क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं? illegitimate, illegitimate, illegitimate crossing over. इसका मतलब है illegal, मतलब वैसे नहीं, इंग्लिश मीनिंग में बता रहे हैं।
मैंने जो आपने एग्जांपल बताई, हाँ जी बताओ, हम उसमें है ना ट्रांसलेशन ऑफ पार्ट ऑफ लॉन्ग आर्म, मैम उसका क्या मीनिंग है? लॉन्ग आर्म मतलब बेटा देखो, ये देखो, ये जैसे लॉन्ग आर्म है, ये शॉर्ट आर्म है, इसका एक पार्ट टूट के 9th क्रोमोसोम पे चला गया, है ना। हर क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती है ना, उसे या तो दोनों इक्वल है, ये प्लस वन में आपने किया होगा, या अनइक्वल है, या बहुत अनइक्वल है, या एक ही आर्म है, होता है ना इसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो ये लॉन्ग आर्म है, इसका एक पार्ट ये कहीं टूट कर चला गया है? मैम जो लॉन्ग आर्म है वो क्रॉसिंग ओवर हुई होमोलोगस के साथ? क्रॉसिंग ओवर नहीं था, इसका ये पार्ट टूटा और ये कोई सा क्रोमोसोम था यहाँ आके अटैच हो गया, ओके, कोई और क्रोमोसोम है, ये नहीं है, इज इट ओके? ये होमोलोगस है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ओके ओके। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट इज जीन म्यूटेशन। जीन क्या चीज है, ध्यान से देखो, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्म द फ्यू न्यूक्लियोटाइड। दिस इज अ जीन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा क्रोमोसोम है जो डीएनए का बना हुआ है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें जो है बहुत सारी जीन्स है, बट लेट अस से दिस इज वन जीन। इस जीन में ये न्यूक्लियोटाइड्स है, लेट अस से ए ए जी सी पी जी पी जी ए पी टी सी ए टी सी सी, लेट अस से। तो एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन, थायमिन गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, गुआनिन एडेनिन। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, या मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, एक मिनट, ये बहुत बड़ा क्रोमोसोम है और यहां से लेके यहां तक एक जीन है, क्रोमोसोम तो आगे तक जा रहा है, लेट अस सी। ये जीन है ए पी टी सी ए ए जी सी टी। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री आप बताओ बेटा, भव्य आप बताओ, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? शिवांशी यू टेल मी, प्लस वन में किया हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर? मैम ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन से तो नहीं करता, एडेनिन एंड ग्वानिन तो दोनों पिरिमिड प्यूरिन्स है। सरगम आप बताओ बेटा। मैम थायमिन, थायमिन, और थायमिन किससे करेगा?
मैम एडेनिन एडेनिन और इसलिए साइटोसिन किससे करेगा हम गुआनिन गुआनिन तो पी टी गुआनिन साइटोसिन गुआनिन एंड ए सो लेट अस से दिस इज अ जीन ये वाला सीक्वेंस है जीन का ए टी टी सी ए ए जी सी टी 5 to 3 और ये 3 to 5 आ जाएगा टी ए ए जी टी टी सी जी जिसको नहीं पता चला मुझसे पूछ भी सकता है अदरवाइज प्लस वन डीएनए करना नहीं तो अगले चैप्टर में हम अभी हम करवाएंगे ये जीन का सीक्वेंस मुझे हमें नहीं करवाया हुआ हमारे स्कूल आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ नो मैम कोई बात नहीं अभी हम करवाएंगे बेटा अगले चैप्टर में डिटेलिंग है इसकी अभी आप ये सोचो कि यही चीज है ठीक है अब इसमें एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए ये पेयरिंग होती है बेटा ये वाला न्यूक्लियोटाइड निकल जाए तो जीन छोटी हो जाएगी कोई एडिशन हो जाए तो जीन बड़ी हो जाएगी अगेन डुप्लीकेशन हो जाए क्रोमोसोम में तो एक से ज्यादा जीन्स थी यहाँ पे एक जीन के न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे हैं इज इट राइट सो दैट इज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे सिर्फ मैं ज्यादा नहीं करूंगी सिर्फ हम डेफिनेशन ही बताएंगे ताकि जब हम डीएनए की बात करें आगे चलें जीन का स्ट्रक्चर करें तब आपको क्लैरिटी हो सो जीन म्यूटेशन इज पॉइंट म्यूटेशन व्हाई इट इज पॉइंट म्यूटेशन तो दूसरा पॉइंट आ जाता है तो ये दूसरा इट इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ये एडेनिन गुआनिन ये दीज रिप्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ए जीन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन एक चेंज हो गया तो जीन म्यूटेशन हो गई दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन इज इट राइट इट कैन बी ड्यू टू क्या क्या कारण हो सकते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन जो है वो क्या क्या रीजंस है दैट इज सब्स्टिट्यूशन या फिर हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ठीक है जी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ठीक है ये लिखो पहले जल्दी से फिर मैं आगे बताती हूँ तो सबसे पहले आ जाइए सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन सब्स्टिट्यूट होना है ना जैसे आपकी कोई टीचर नहीं आती थी स्कूल में तो उसकी जगह कोई और टीचर सब्स्टिट्यूट कर लेती थी होता था ना स्कूलों में दैट इज सब्स्टिट्यूशन मतलब टीचर स्कूल में उतनी ही है या तुम्हारी क्लास में उतने ही क्लासेस लगी बट एक टीचर की जगह दूसरी टीचर आ गई दैट इज सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन में लिखो
In this, the number of nucleotides in a gene, number of nucleotides या base pair, एक ये pair है, number of nucleotides or base pairs in a gene remains same. क्या बोल रहे थे मैम? In this mutation, substitution mutation में लिखो, in this mutation the number of nucleotides or base pairs in a gene remains same. But one or few nucleotides gets replaced by another nucleotide. Replaced by another nucleotide. Transition में लिख लीजिए. In transition, purines are replaced by purines. In transition, purines are replaced by another purine. Whereas pyrimidine is replaced by another pyrimidine. और ट्रांसवर्जन में लिख लो. इन ट्रांसवर्जन. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम प्लीज रिपीट. इन ट्रांजिशन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन और पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पिरिमिडिन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ट्रांजिशन में लिख लो. हियर इन दिस लेट अस से यहां पे लेट अस से हम बात करते हैं एट फर्स्ट पोजीशन कह लीजिए. एट फर्स्ट पोजीशन एडेनिन क्या है? एट first position adenine is replaced by guanine. Adenine bhi purine hai, yahan pe bracket mein likh lo purine, and guanine bhi purine hai. Therefore the sequence will be, अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ए की जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा. बाकी तो सेम रहेगा. टी टी सी ए जी सी टी. और ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है? साइटोसिन के साथ. तो इसलिए थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा. बाकी सब सेम रहेगा. इज इट राइट? सो दिस इज ट्रांजिशन. व्हेन देयर इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन विद अनदर प्यूरिन और पिरिमिडिन विद अनदर प्यूरिन सॉरी पिरिमिडिन एट सम पोजीशन. ठीक है जी. सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन.
नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसवर्जन. इन दिस प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन. By pyrimidine or vice versa, or vice versa. तो बेटा जिसको नहीं याद है तो वहां पे purines कौन कौन सी है, adenine and guanine. और pyrimidines है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिन. यूरेसिन सिर्फ आरएनए में होता है. एंड रिमेंबर दैट इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विद थायमिन and guanine pairs with cytosine. Another is central dogma. क्या है? DNA passes its information to mRNA and then mRNA forms protein. और यहाँ पे डीएनए कंप्लीट डीएनए नहीं, जीन, एक जीन एमआरएनए बनाती, कंप्लीट डीएनए नहीं. तो इसलिए इफ जीन गेट म्यूटेटेड इससे क्या होगा, चेंज इन एमआरएनए. और फिर इससे क्या होगा, चेंज इन प्रोटीन. तो अल्टीमेटली अगर किसी जीन की म्यूटेशन हो रही है तो क्या अलग बन रहा है, प्रोटीन अलग बन रहा है. ठीक है, यहां पे एक ये बॉक्स में लिख लो. फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ सिकल सेल एनीमिया की, फिर हम आगे चलेंगे. चलिए जी, हम बेटा फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ. कि ये डीएनए है, ठीक है, जिसका सीक्वेंस क्या था, दैट इज जो मैंने पहले लिखवाया था, लेट अस से ए टी टी सी ए जी सी टी. सो टी ए जी टी टी सी जी ए, फाइव प्राइम थ्री प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम. इसमें से क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्स, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, आई एम सॉरी, ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब to form mRNA. DNA का भी specific करो जीन, क्योंकि पूरा का पूरा DNA transcribe नहीं करता. DNA बहुत बड़ा है,
ठीक है, हमने सिर्फ जीन की बात की है यहां से लेकर यहां तक। इसमें से भी दोनों में से एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा। लेट अस से यहां पे ट्रांसक्राइब इसने किया 5'1" तो क्या बना, एडेनिन के ऑपोजिट आ जाएगा यूरेसिल। जब आरएनए है उसमें थायमिन नहीं होता, उसमें यूरेसिल होता है। तो इस जीन ने जब ट्रांसक्राइब किया तो कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा, एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल, थायमिन इज एडेनिन, एडेनिन गुआनिन, यूरेसिल यूरेसिल गुआनिन, सॉरी यूरेसिल यूरेसिल साइटोसिन गुआनिन एडेनिन। सो दिस इज एमआरएनए। दोबारा से मैं बता रही हूं, सिर्फ ये वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहा है, एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, 5 से कॉम्प्लीमेंट्री है 3, तो ये 5 है, ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन यूरेसिल बनाता है, थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन, मतलब आरएनए में थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो इस स्ट्रैंड ने ट्रांसक्राइब किया, ये बना, इज इट ओके। उसके बाद इस आरएनए में ये जो है, ये वैसे मैं थोड़ा सा हम चेंज कर लें, जरा ये ना आए, यू ना आ जाए पहले, लेट अस से टी जी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आर, लेट अस से जी आर, ठीक है, ये आ गया। तो अब ये तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स, दे कोड फॉर, दिस इज इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड 1, दिस इज फॉर अमीनो एसिड 2, दिस इज फॉर अमीनो एसिड 3। इस तरह से तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स एक एक अमीनो एसिड को पहचानते हैं, तीन एडजेसेंट बट स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पहचानते हैं। इन दिस वे पहले एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाता है, फिर एमआरएनए के जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पहचानेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोटीन बना देंगे, ये जॉइन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड से, इस तरह से दिस फॉर्म से प्रोटीन। अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, लेट अस से जी ए सी आ जाए, तो यहाँ पे अमीनो एसिड 1 नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है अमीनो एसिड 15 हो जाए, कोई और अमीनो एसिड आ जाए, क्योंकि क्या आ गया, जी ए सी आ गया है, अलग कोडोन आ गया है, राइट। सो दिस इज हाउ जीन म्यूटेशन अकर्स इन। ये और क्लैरिटी से अभी नहीं भी बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, कोई बात नहीं बेटा, सेकेंड चैप्टर में और अच्छी तरह से समझ आएगा। एग्जाम्पल हम इसमें करें, सिकल सेल एनीमिया, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसवर्शन, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इसमें क्या है, जीन फॉर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बहुत बड़ी जीन है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 5', 3', 3', 5', बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, बट यहां पे लेट अस से है तो बहुत सारे हैं, बट हम एक बात करते हैं कि ये था जी ए जी। अर्शप्रीत आप बताओ बेटा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या होगा, जी किसके साथ पेयरिंग करता है,
अर्शप्रीत मैम साइटोसिन के साथ. बिल्कुल. और एडेनिन किसके साथ करता है? मैम थायमिन के साथ. वेरी गुड. और फिर साइटोसिन. ठीक है जी. एंड ये जो है दिस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फाइव प्राइम स्ट्रैंड. ये बहुत सारे थे बट ट्रांसक्रिप्शन की तो क्या बन गया? यस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थ्री प्राइम स्ट्रैंड. आई एम सॉरी, इस वाले स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन की तो यहाँ पे सी टी सी की जगह क्या आ जाएगा? अगेन जी ए जी. यस और नो? इस स्ट्रैंड ने ट्रांसक्राइब किया साइटोसिन forms guanin, thymine forms adenine, cytosine forms guanine. And this GAG, जो यहाँ पे अमीनो एसिड्स बने 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ पे था ग्लूटेनिक एसिड. बाकी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, that is a separate issue. So फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड सो. तो सिक्स अमीनो एसिड कौन सा था? दैट इज ग्लूटेनिक एसिड. इज इट ओके? ठीक है. बट ड्यू टू म्यूटेशन अब क्या हुई? मैं यहां पे थोड़ा सा म्यूटेशन हो गई यहां पे मैं बात कर रही हूं. म्यूटेशन इन डीएनए जिसकी वजह से क्या चेंज हो गया? एडेनिन की जगह क्या आ गया? थायमिन आ गया. एडेनिन ऑफ जीएजी is replaced by thymine. Therefore, ये था G. अब क्या आ गया? G T G. और इसके opposite आ गया C A T. ठीक है. तो जब ट्रांसक्रिप्शन हुई टी की जगह गुआनिन, एडेनिन की जगह यूरेसिल एंड सी की जगह गुआनिन. तो यहां पे था जी ए जी था एमआरएनए पे, यहां पे आ गया जी यू जी जिसकी वजह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे कौन सा अमीनो एसिड आ गया? विलाइन. दिस इज नॉर्मल बीटा चेन. नॉर्मल बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज ए पेप्टाइड प्रोटीन है इन विच एट सिक्स्थ पोजीशन देयर इज प्रेजेंट ग्लूटेनिक एसिड. वेयर एज दिस इज सिकल टाइप बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इन विच ग्लूटेनिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय विलाइन. इज इट ओके? मुझे ये बताओ कि किसी को अगर इसमें दिक्कत हो, किसी को नहीं समझ में आया. यस एवरीबडी, तुम्हें ये जीन का पता चला? जीन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए.
ये ट्रांसक्राइब करती है। पहली बात तो एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स होती है, जब आरएनए बनता है तो एक जीन आरएनए बनाते हैं, सभी जीन्स नहीं, और इस पूरी जीन में भी एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है टू फॉर्म आरएनए। कोई सा कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो दिस इज आरएनए। आरएनए में किसकी इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन सिंथेसिस की। द 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स, दे कोड्स फॉर, दे हैव, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक अमीनो एसिड। If and the sequence of three nucleotides is called as genetic code. If there is change in the genetic code, there is change in the amino acid, and if there is change in one amino acid, the whole protein will get changed. Is it okay? ठीक है, ये करो नोट, और फिर नहीं समझ में आई तो मेरे से दोबारा पूछो।